हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग विद्युत रसायन के अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। देखिए कैसे कैसे बोर्ड पेपर में आएंगे। बेटा लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया वाले क्वेश्चन, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल के मानक सेल विभव तथा डेल्टा आरजी, इसका मतलब है गिब्स की मुक्त ऊर्जा, एवं केसी की गणना करो। बच्चों ये सवाल में तीन चीज की गणना पूछ रहा है, ई नॉट सेल विभव, मानक सेल विभव पूछ रहा है, इसके बाद गिब्स की मुक्त ऊर्जा पूछ रहा है, तथा केसी का मान पूछ रहा है। जबकि हमें दिया क्या है, उसने एक रिएक्शन दी है और रिएक्शन के साथ साथ हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू दे दिया है। इनके सहारे से आपको एक सवाल हल करना है। तो बेटा इसमें सबसे पहले निकालना है सेल विभव, सबसे पहले सेल विभव निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी मानक मत देखिए, खाली सेल विभव देखिए। सेल विभव के लिए आप क्या जानते हैं, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये जानते हैं। लेकिन भैया सेल विभव के आगे लगा है मानक, इसीलिए ई के ऊपर जहां जहां है नॉट लगा दीजिए। ये अब ये बन गया मानक सेल विभव, ठीक है। तो बच्चों सीधी सी बात है, अब हमको ई कैथोड और ई एनोड का मान लिखना है। हमें पहचानना है कहां पर कैथोड है और कहां पर एनोड है। चलिए बच्चों देखिए, पहले Fe दो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। पहले मैं कुछ चीजें आपको हिंट्स देता हूं, एक हिंट्स देख लीजिए। हिंट्स क्या कहता है बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास जो धन सिरा है उसे हम एनोड कहेंगे, ऋण सिरे को आप बच्चों कैथोड कहते हैं। मेंशन करता हूं मैं आपको, ये कैथोड और ये एनोड। एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास है बच्चों Na पॉजिटिव और एक है Cl माइनस। ये पॉजिटिव जानते हैं कहां जाएगा, माइनस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ये वहां जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अर्थात बेटा कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। आपको ये बातें याद रखनी होगी, कैथोड पर रिडक्शन होता है। और ये Cl कहां चला जाएगा, एनोड की ओर चला जाएगा। तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। तो बच्चों एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये बातें मैंने आपको बता दी है आप, ताकि परेशान ना हो। तो देखिए पहले Fe दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और अब तीन दे रहा है, यानी पहले दो तो दे रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा देने लगा। इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की हानि हुई है, इसका मतलब इनके और इनके बीच में कौन सा प्रोसेस हुआ है बच्चों, तो आप बोलेंगे रिडक्शन हुआ है इसके और इसके बीच में, सॉरी रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन हुआ है, सॉरी ठीक है ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनों की हानि हुई है। तो ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। तो बच्चों Fe की वैल्यू देखिए कहाँ लिखी है, तो आप बोलेंगे सर ये लिखी है, तो ये लिखी है भैया, तो आप जैसे जान चुके हैं कि ये कहाँ पर गया, एनोड पर। तो ये काहे की वैल्यू है, एनोड की, इसका मतलब ई नॉट एनोड की जगह पर ये लिखेंगे आप। तो फिर ये आपने पता कर लिया, तो फिर ये क्या बचा, ये है आपका कैथोड। तो आप लिखेंगे ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड की वैल्यू आपको पता हो गई, प्लस 0.80 माइनस 0.77 वोल्ट, ठीक है। प्लस में है बच्चों वैल्यू, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो 0.80 माइनस 0.77, ठीक है। तो इसे आप हल करेंगे तो आएगा 0.03 वोल्ट। तो बच्चों आपने इस सवाल में ई नॉट की वैल्यू निकाल ली। चलिए अब क्या बोल रहा है, एक ये फार्मूला आपको बिल्कुल अब याद ही रखना है भैया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डेल्टा आर जी गिब्स की मुक्त ऊर्जा, क्या है फार्मूला, फार्मूला है डेल्टा आर जी बराबर माइनस एन
एफ माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये है फार्मूला गिब्स की मुक्त ऊर्जा के लिए। तो बच्चों अब क्या जानते हैं, एन जो है मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निर्गत इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहां एफ फैराडे नियतांक है जिसका मान 96,500 कूलम प्रति मोल है, और ई नॉट सेल की वैल्यू तो अभी आपने निकाल ली तो अब आपको परेशान नहीं होना है। तो आप लिखेंगे डेल्टा आर जी बराबर माइनस एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो भैया मुक्त कहां हुए हैं, ये प्लस है और आकर जीरो हो रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मुक्त तो यहां से हुआ है, पहले दो दे रहा था अब तीन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है तो एन का मान होगा बच्चों 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है। फिर एफ फैराडे 96,500, ई नॉट सेल की वैल्यू आपने यहां से निकाली है 0.03 वोल्ट। बच्चों फाइनल जब आप इसे हल करेंगे तो डेल्टा आर जी बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो आएगा 2,895 जूल। ठीक है, ये उत्तर आ गया 2,895 जूल। तो अब आपने बच्चों डेल्टा आर जी का मान भी निकाल लिया, फाइनल वो आपसे पूछ रहा है केसी का मान भी बताइए। तो बच्चों केसी का मान निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला लगाना है, आप फार्मूला लगाएंगे डेल्टा आर जी बराबर माइनस 2.03 आर टी लॉग के सी। इस फार्मूले से बच्चों आप के सी की वैल्यू निकालेंगे, ये के सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से मैं सवाल हल कर रहा हूं, देखें आप, जैसा कि के सी का मान, लॉग के सी का मान आपको निकालना है तो ये वैल्यू इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग के सी बराबर डेल्टा आर जी बटा ये बटे के नीचे आ जाएगा माइनस 2.303 आर टी। ठीक है बच्चों, लॉग के सी बराबर डेल्टा आर जी का मान आपने निकाला है ये देखिए, तो आप यहां पर लिखेंगे माइनस, माइनस में है वैल्यू माइनस 2,895 बटा माइनस 2.303। बच्चों ये माइनस से माइनस तो पहले मैं कैंसिल कर देता हूं। फिर बच्चों बारी आती है आर, जहां पर आर गैस स्थिरांक है, इसका मान होता है 8.314 और बेटा टी है वो परमता, टी है परमता, याद रखें जितनी भी रिएक्शन हो रही है ये मानक परिस्थितियों में हो रही है, और मानक परिस्थितियों में आपको पता है कि मानक परिस्थितियों में यदि कोई विलयन है तो उसकी सांद्रता 1 मोल होनी चाहिए, आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, तथा साथ ही साथ जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। तो बताइए अब टी का मतलब क्या है, मानक परिस्थिति पर है, तो बच्चों टी बराबर होता है सी प्लस 273, तो सी का मान मानक परिस्थिति पर 25 है, 273 हो गया कितना 298। तो बच्चों टी की जगह हमको हमेशा क्या लिखना है यहाँ पर 298। बच्चों इनका इससे मल्टीप्लाई करके इसे आप भाग देंगे, लॉग के सी बराबर भाग देने के बाद आएगा 0.5074। अब लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो एंटी लॉग में आ जाएगा, के सी बराबर एंटी लॉग 0.5074। अब एंटीलॉग देखने के लिए आपको सारणी दी होगी, या तो प्रश्न में सारणी दी जा सकती है या तो क्वेश्चन में ही आपको लिख के देगा एंटीलॉग या लॉग की वैल्यू। तो अब इसका एंटीलॉग जो है वो आएगा 3.22। तो ये आया बच्चों पहला सवाल, और इस पहले सवाल का न्यूमेरिकल इस प्रकार होगा, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। तो देखिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, निम्न समीकरण
एवं निम्न सेल की समीकरण एवं 298 केल्विन पर यानी टी का मान दिया है, ठीक है, 298 केल्विन पर ईएमएफ निकालिए। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि हमें सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जबकि दिया है एमजी ऑब्लिक 2 पॉजिटिव की जो सांद्रता है वो दी है 0.001 मोलर, ठीक है। फिर ये डबल स्लैश देख रहे हैं, डबल स्लैश को बच्चों लवण सेतु कहते हैं, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव, फिर इसकी मोलर सांद्रता दी है 0.001 स्लैश या ऑब्लिक Cu, जहां पर हमको Mg की इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू दे दिया है, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों यहां पर अगर मोलर सांद्रता सीधे कितनी होती, 1 होती, तो हमको किसी लंबे चौड़े फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे फार्मूला लगाते ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। परंतु बच्चों यहां पर मोलर सांद्रता अलग अलग है, तो आप यहां पर उस फार्मूले का अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहां पर कौन सा फार्मूला, आप यहां पर नेक्स्ट समीकरण का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या है आपका वो फार्मूला, आप लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग एक्टिव मास ऑफ कैथोड, ठीक है, इस फार्मूले से आप काम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप सेल रिएक्शन तो देखिए, सेल अभिक्रिया तो देखिए, आप सेल अभिक्रिया क्या कहती है, तो मैं बताता हूं सेल अभिक्रिया क्या है। सेल अभिक्रिया इससे बनाएंगे आप एमजी जो है, एमजी वो कन्वर्ट होता है एमजी टू पॉजिटिव में, और जो बच्चों सीयू है सीयू टू पॉजिटिव वो कन्वर्ट हो जाता है सीयू में, ठीक है। ऐसा आप यहां पर रिएक्शन को मेंटेन करेंगे। तो बच्चों अब आप यहां पर देखिए, आपको पता है ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, आपको पता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फार्मूला तो आप जानते हैं। तो बच्चों इस सेल की जगह पर हम ये वैल्यू यहां रख सकते हैं, तो मैं लिखता हूं ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हो गया माइनस 0.051 अपान एन। बच्चों जो एन है यहां पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो मुक्त कहां से हो रहे हैं, यहां से। एमजी पहले 0 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब 2 दे रहा है, तो यहां पर एन की जगह पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद फिर आप लॉग यहां पर करेंगे, एनोड का मान क्या है, एनोड की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे पहचानेंगे इसमें एनोड कौन है कैथोड कौन है। तो बेटा सीधी सी बात है, आप पहचान लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये बेटा रॉड अगर धन है और ये अगर ऋण है, ठीक है, तो अगर हमारे पास Na पॉजिटिव है और Cl माइनस है, तो पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव की तरफ, माइनस कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, अर्थात ये वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसका मतलब कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर फिर ऑक्सीडेशन होता है। तो बच्चों सीधी सी बात है, पहचान लीजिए, देखिए Mg पहले 0 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, तो देख लीजिए ये वाली वैल्यू काहे की है, एनोड की। तब आप यहां पर लिख सकते हैं माइनस, अभी इसे नहीं लिखना बच्चों, ये वाली वैल्यू, सॉरी, ये तो आपका कैथोड इलेक्ट्रोड विभव दिया है और एनोड दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल जो मैंने भी बताया है ये काम यहाँ पर करेगा, ठीक है। चलिए मैं लगातार यहीं पे कर देता हूँ। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो
यहां से इलेक्ट्रॉन निकला यानी ऑक्सीडेशन है, तो ये वाला हिस्सा क्या है बच्चों, ये वाला हिस्सा ऑक्सीडेशन, Mg वाला हिस्सा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर, तो ये हिस्सा जो है ना बच्चों एनोड पर लिखा जाएगा। तो मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक है, एक स्टेप और लिख लेता हूं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे बताता हूं मैं। लाइए मैं यहां पे लिख देता हूं पहले फिर से, एनोड अपान कैथोड, ठीक है। तो देखिए ई सेल बराबर, ये वैल्यू आप जान गए एनोड की है, तो फिर ये वैल्यू क्या है कि होगी कैथोड की, तो आप यहां पर लिखेंगे 0.34 माइनस, फिर माइनस 2.37, ये माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा, ये देखिए माइनस 0.051 अपॉन टू लॉग। अब बच्चों एनोड की वैल्यू जैसे आप ये जान चुके हैं ये एनोड है, तो आप यहां पर लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ, क्योंकि अब Mg पर देख लीजिए, Mg पर मोल की संख्या कितनी है, एक एक, तो यहां पर एक्टिव मास ऑफ एनोड का जो है हमारा 0.001, यहां पर बच्चों जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पावर में वन लिखना पड़ेगा, क्योंकि Mg के मोल एक हैं, इसलिए आप यहां पर एक पावर के रूप में लिखेंगे, लेकिन वन लिखने की आवश्यकता है नहीं है। फिर कैथोड की वैल्यू ये हो जाएगी, एक्टिव मास ऑफ कैथोड की वैल्यू 0.001, ये आ गई वैल्यू। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, तो देखिए ई सेल बराबर, इसको इससे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.71 माइनस, अब इसको उससे भाग देना है, ठीक है, ये है बच्चों 0.091 है, ठीक है, इससे यहां पे भी गलती हो रही है, 0.0591 भाग देना है, तो अब भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 0.02955, भाग देने पर इतना है, इसको उससे भाग देंगे तो आएगा 10 log बेस 10, log 10 का मान होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू उतनी ही रहेगी। फाइनल इसे हल कर देते हैं, E सेल बराबर, इसे घटाएंगे तो आएगा लगभग 2.68 वोल्ट, ये आ गया आपका सॉल्व। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, आप इसे इस तरह भी सॉल्व करेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, निम्न सेल अभिक्रिया के ईएमएफ की गणना करनी है जिसमें Zn/Zn2 पॉजिटिव 1 मोलर लवण सेतु, इसे लवण सेतु कहेंगे, CO2 पॉजिटिव, ये भी इसकी सांद्रता 1 मोल, देखिए 1 मोल जब सांद्रता मिल जाएगी तब आपको किसी लंबे चौड़े फार्मूले को लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है, क्या है आप फार्मूला लगाएंगे, ई सेल बराबर, यहां पे ई नॉट है, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो ई यहां पे भी नॉट कर लीजिए, चलिए मान के चलते हैं ई नॉट सेल बराबर किसके हैं, ई सेल के, ठीक है, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बिल्कुल सीधा, एक मोल है, एक मोलर सांद्रता है विलयन की, तो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल सीधा सिंपल फॉर्मूला, मैंने आपको बार बार परेशानी ना हो इसलिए मैंने यहां पर लिख भी दिया है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखिए सेल अभिक्रिया बनाइए, इससे सेल अभिक्रिया बनाइए, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, CU2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है CU में, ये है रिएक्शन आपका, ये। तो बच्चों देखिए क्या देख रहे हैं, Zn पहले कुछ नहीं दे रहा था और अब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर, तो बच्चों Zn वाली वैल्यू एनोड की होगी, तो फिर ये कैथोड की होगी, ये किसकी होगी, एनोड की, ठीक है, तो अब आप जान गए ये वैल्यू है एनोड की, तो आप लिखेंगे ई नॉट सेल बराबर, यहां पर आप ई
कैथोड की वैल्यू ये हो जाएगी 0.34 माइनस माइनस 0.76 माइनस माइनस बच्चों प्लस कर देगा तो ये वैल्यू हो गई आपकी प्लस में। और आपका जो उत्तर आया वो आया 1.10 वोल्ट। तो बच्चों ये ई नॉट सेल है, जैसा कि आप मान के चल रहे हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल के है तब ई सेल बराबर भी होगा 1.10 वोल्ट। ये है बहुत सीधा सा सवाल। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए बच्चों एक सवाल फिर से आपके सामने बोर्ड पर है, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना करनी है। ईएमएफ आपको फिर से ज्ञात करना है जिसमें ई नॉट सेल आपको निकाल के दिया है। मतलब क्या कह रहा है बच्चों, देखिए मैंने थोड़ा सा हिंट्स लिख लिया है आपके लिए फिर से। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो बेटा ई नॉट सेल का मान दिया है, कैसे निकलता है ई नॉट सेल? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये आप जानते हैं। तो बच्चों ये हल करके ही ई नॉट सेल की वैल्यू दी है, मतलब आपको ई कैथोड और ई एनोड पर परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास मोलर सांद्रता अलग अलग है। एक मोलर होती तो बिल्कुल सीधा सा फार्मूला लगा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोलर सांद्रता अलग है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट समीकरण से फिर से इसे हल करते हैं। तो क्या है आपका ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग एक्टिव मास ऑफ एनोड एक्टिव मास ऑफ कैथोड। इतनी चीजें आपको लिख लेनी है। तो बच्चों ई नॉट सेल का मान तो दे ही दिया, मैं लिख रहा हूं ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन है मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितने मुक्त हो रहे हैं, पहले जीरो दे रहा था और अब दो दे रहा है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं। इसके बाद फिर आप लिखेंगे लॉग, फिर एनोड की वैल्यू लिखेंगे। अब एनोड कहाँ है ये पहचान लीजिए, कैथोड कहाँ है ये पहचान लीजिए। तो जैसे कि आप सेल अभिक्रिया में देख रहे हैं कि ये यहां से दो निकला है ना, तो ये क्या हो रहा है आपका, निकलना क्या है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर। तो बच्चों ये है हमारी वैल्यू एनोड की। तो हम यहां पर लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ 0.160, ठीक है। एनआई की संख्या कितनी है 1, तो आप जानते हैं एक्टिव मास जब लिखेंगे तो हम यहां एक कमेंट ऊपर पावर लिखेंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कैथोड पर देखेंगे, कैथोड कहां है, अगर ये है तो फिर ये कैथोड है, ठीक है, तो ये कैथोड है। अब ये कैथोड में देखिए एक्टिव मास ऑफ कैथोड का लिखेंगे तो 0.002। बच्चों एजी का कितने बार है, 2, तो इसीलिए इसकी पावर हो जाएगी 2। बिल्कुल सीधा सा सवाल है। क्या बन रहा है हमारे पास, ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.160। इसे दो बार लिख देते हैं, 0.002 इंटू 0.002, दो बार आया है, दो बार लिख दिए, ठीक है। तो बच्चों इससे इस दशमलव को कैंसिल कर दिए तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा पूरा 2 और ये बचा 160, ठीक है। इसे हल करते हैं तो कितना आया, 2 8 16 और ये 2। और क्या करते हैं, दशमलव को यहां पे लेके जाएंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10^-3। तो बच्चों ये दशमलव यहां पे आ जाएगा, ये पूरा पूरा 2 बन जाएगा। तो ई सेल बराबर 1.05, आप यहां पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लाइव कर देता हूं, इसको यहां पे लेके जाएंगे क्योंकि -3 है तो ये दशमलव के यहां पे आ जाएगा, ये 2 बन गया, इससे कैंसिल कर देंगे तो बच्चों ये 40 आ गया, ये ऊपर चला जाएगा
तो हो जाएगा हमारे पास 0.0591/2 लॉग, ऊपर चला गया 4×10³। इस जीरो को हटाते हैं तो ये पावर बढ़ जाएगा 10^4। ठीक है, अब इसमें आप फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे देखिए, e सेल बराबर 1.05 - 0.0591/2। तो ये बन क्या रहा है बच्चों, ये बन रहा है हमारे पास log 4 प्लस, फिर आगे जाएंगे तो ये पावर आगे आएगा 4 log और फिर log 10 ऐसे। तो e सेल बराबर 1.05 - 0.0591/2। log 4 की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास, सवाल में दिया होगा आपको, ये log 4 की वैल्यू आएगी आपके पास 0.6022 प्लस 4 आ जाएगा और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो उतना ही आएगा। आ क्या गया हमारे पास, मैं यहां से लिखूंगा e सेल बराबर 1.05 - 0.0591/2 आ गया हमारे पास 4.6022। अब इसे हल इसे इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से भाग दे देंगे तो e सेल बराबर 1.05 - आप इसको आएगा हल करने पर 0.14 और इसे घटा लेंगे तो e सेल बराबर, इसको इससे घटाएंगे तो आ गया 0.91 वोल्ट। तो देखिए इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगे और आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल को बोर्ड पेपर में बना लेंगे। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।